हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिनको अगर पैरालिसिस के पेशेंट अवॉइड करते हैं, उन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सकती है। अक्सर जब भी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो कुछ या तो गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसके लिए हम मना करते हैं कि आप इन चीज़ों को अगर अवॉइड करते हो, इन गलतियों को नहीं करते हो तो आप में जल्दी सुधार आ सकता है। क्योंकि पेशेंट इस कंडीशन में होता है कि अगर वो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा तो उनकी रिकवरी बहुत आसानी से स्पीड अप हो सकती है। सबसे पहली मिस्टेक जो पेशेंट कर रहा होता है, जब किसी को इनिशियली पैरालिसिस होता है वो कम्प्लीटली बेड रिडन होता है, लेकिन एक फेज़ आता है जब वो चलने फिरने लग जाता है। बट ब्रेन क्या करता है, ब्रेन भूल चुका होता है कि मैं चलना फिरना अब स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरी बॉडी में ये रिकवरी आ चुकी है। तो पेशेंट को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं चल फिर नहीं पाऊँगा। जब भी हम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, इनमें क्या देखने को मिलता है, उनके जॉइंट्स मसल्स फाइन होते हैं, कोई मांसपेशियाँ सूखी हुई नहीं होती, कोई पेन नहीं होता है, पर फिर भी पेशेंट चल फिर नहीं रहा होता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली बैठे रहेंगे, अपने मसल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबिलिटी नहीं करेंगे, तो आपके अंदर रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है, आपकी मांसपेशियाँ भी ग्रेजुअली सूखना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कहीं फ्रैक्चर कभी हुआ होगा, हड्डी कोई टूट गई थी, वहाँ पर कुछ समय के लिए प्लास्टर लगा दिया जाता है। जब प्लास्टर खुलता है उसके बाद दोबारा से उस हिस्से को मोशन में लाने के लिए, मोबिलिटी लाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती है ताकि आपकी स्टिफनेस ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम मांसपेशियों को मूव नहीं करेंगे तो अकड़न बढ़ती चली जाती है और पेशेंट की रिकवरी वहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। सेकंड मिस्टेक जो अक्सर पेशेंट कर रहा होता है, इनिशियली जब बेड रिडन थे तो फिजियोथेरेपिस्ट आता था, एक्सरसाइज करवाता था और चला जाता था, खुद का एफर्ट नहीं लगता था। लेकिन अब हम रिकवर हो चुके हैं, थोड़ा इस फेज तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम खुद से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि जब फिजियोथेरेपिस्ट आएगा वो एक्सरसाइज करवाएगा तो ही हम एक्सरसाइज करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट ही हमें एक्सरसाइज करवाएगा। इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट खुद से अगर मोबिलिटी कर भी पा रहा होता है, एक्टिव एक्सरसाइजेस कर भी पा रहा होता है, मान लीजिए आपका रिस्ट में मूवमेंट इनिशियली नहीं थी तो फिजियोथेरेपिस्ट आता था, सपोर्ट देकर आपके रिस्ट को मूव करवाता था, लेकिन अब आपकी रिस्ट में मूवमेंट आ गई है, वहाँ कोई अकड़न नहीं है, दर्द नहीं है और आप ये एक्सरसाइज खुद परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें एक्टिव एक्सरसाइजेस पे स्विच होना है ताकि आपकी मसल्स खुद से स्ट्रेंथन अप होना स्टार्ट हो जाएं और मोबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाए और ब्रेन ये चीज़ समझ सके कि मुझे कैसे अपने हैंड को, रिस्ट को मूव करना है, एक सिग्नल दे सके कि कैसे मुझे अपनी रिस्ट की मूवमेंट को लाना है। पैसिव एक्सरसाइजेज वहाँ पर वर्क करती हैं जहाँ पर पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, खुद से कुछ नहीं कर पाता, मांसपेशियाँ बिल्कुल स्टिफ हो गई हैं, वहाँ पे पैसिव एक्सरसाइजेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कोई और आपको असिस्ट करके एक्सरसाइज करवाता है। अब जब हमारा ये फेज़ आ गया है तो हम एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, खुद का एफर्ट लगा सकते हैं, वहाँ पर हमें खुद का एफर्ट ज़रूर लगाना है और एक्सरसाइजेस को खुद से परफॉर्म ज़रूर करना है। थर्ड मिस्टेक जो मोस्टली पेशेंट्स कर रहे होते हैं, अगर क्लिनिक पे पेशेंट आया है मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप एक बार अपना हाथ ऊपर उठा के मुझे दिखाइए, आप ये सामान पकड़ के मुझे दिखाइए, फॉर एग्जांपल मैं पेन देती हूँ होल्ड करने के लिए या कोई कंटेनर देती हूँ, तो बिना ट्राई किए ही वो मना कर देते हैं, नहीं मैम हमसे नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या अभी भी नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप वहाँ पर कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो ही कामयाब हो पाओगे। अगर हम पहले ही माइंडसेट ऐसा रखेंगे मुझसे ये एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो जितनी भी आप ताकत लगा लोगे आपकी मांसपेशियों में दोबारा से मूवमेंट नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल पेशेंट के हाथ में बिल्कुल स्टिफनेस है, हैंड मूव नहीं होता, उसे जब हम बोलते हैं कि अपने हाथ को लिफ्ट करो तो वो इतना सा भी लिफ्ट नहीं करेगा और बोलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट के साथ असिस्ट करके उठाओ, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा कोशिश करना स्टार्ट करता है। तो आपने पहले से ये नहीं सोचना कि मुझसे ये एक्टिविटी होगी ही नहीं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हुए काम करना है। मैं जानती हूँ कुछ केसेस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, लेकिन मैं उन्हें भी कहती हूँ कि आप एक बार कोशिश तो करो,
जब आप कोशिश करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई स्कोप ऑफ रिकवरी बनता है, ब्रेन पाथवे बनाता है दोबारा से मूवमेंट लाने का, आपके हाथ पैर को दोबारा से चलाने का। अगर हम एफर्ट ही नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे ही नहीं, तो कोई भी ट्रीटमेंट आपका कभी भी काम नहीं करेगा। चाहे आप जितने भी ट्रीटमेंट स्विच कर लीजिए, जितने भी डॉक्टर बदल लीजिए, जहाँ से भी इलाज ले लीजिए, आपको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, चाहे आपसे एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, बट तीसरा दिन तो आएगा जहाँ पर आप कर पाओगे एक्टिविटी, तो हमें ज़रूर परफॉर्म करना है, अपना एफर्ट ज़रूर लगाना है। फोर्थ मिस्टेक जो पेशेंट अक्सर कर रहा होता है, पेशेंट क्या करता है, एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेगा और अगले दिन बिल्कुल ही नहीं करेगा। पैरालिसिस जो बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही होती, ब्रेन में किसी इंजरी की वजह से, क्लॉट की वजह से, हेमरेज की वजह से। अब ये एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है वहाँ पर एफर्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें एक ऐसा रिदमिक लाइफस्टाइल बनाना है, एक ऐसा डेली रूटीन बनाना है जिसमें हमारी डाइट एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हो। तो हमें एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना है। अगर हम डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे और लॉन्ग रन तक इसको फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर जल्दी रिकवरी आ सकती है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन सारा एफर्ट लगा दिया और नेक्स्ट डे हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे। उसका नुकसान क्या होता है, एक दिन आपने जहाँ बहुत पुश कर दिया, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा थक गई, नेक्स्ट डे आपको पेन बढ़ जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगी और फिर आप दो चार दिन के लिए बिल्कुल रेस्ट करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं करना, डेली बेसिस पे आप 10-10 काउंट से, 15-15 काउंट से कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, 3-3 साइकिल लीजिए, उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए एज पर आपकी बॉडी की जितनी स्ट्रेंथ है। जब आपको लगता है आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो रुक जाइए। फिफ्थ मिस्टेक जो अक्सर पेशेंट कर रहे होते हैं, जब उन्हें थोड़ा सा भी बॉडी में दर्द बनता है तो वो अपनी एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं या ट्रीटमेंट स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं। पेन होना एक रिकवरी का साइन है पैरालिसिस के अंदर। इनिशियल फेज में जब पैरालिसिस होता है तो आपके हाथ पैर कभी कभार सुन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों में ठंडा गर्म महसूस नहीं हो रहा होता है। जब हमारी रिकवरी वाला फेस चल रहा होता है, हमारी सेंसेस वापस आती है, ठंडा गर्म महसूस होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो पेन होता है। पेशेंट को दर्द महसूस होना स्टार्ट होता है। दर्द तो उसे पहले भी था लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, पेन रिसेप्टर्स ब्रेन तक पहुँचा नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहा था। तो अगर आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कुछ दर्द होना स्टार्ट हो गया है तो उसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आप एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में कीजिए। आपको पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होता है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल लाइट हैंड से मालिश करवा सकते हो, थोड़ी सी गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, या हाथ पैर, आप अगर स्पेशली आपके पैरों में दर्द बन रहा है तो गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के आप सिकाई कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बट हमें कोई भी अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी छोड़नी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में और समझने में कि अगर आप भी कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, ताकि आपकी रिकवरी हैम्पर ना हो, जल्दी से जल्दी आप इस बीमारी से अपना पीछा छुड़ा सके, इंडिपेंडेंट हो सके। क्योंकि इस बीमारी को आप अच्छे तरीके से, इस बीमारी से रिकवर हो सकते हो अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, चीज़ों को अच्छे से समझते हो, अपनी बीमारी को समझते हो, अपने लक्षणों को समझते हो, उस पर काम करते हो। बेसिक जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है पैरालिसिस में, इसमें क्या है, आप कॉन्टिन्यूस अगर एफर्ट लगाते हो तो ये बीमारी हार जाती है और आप जीत जाते हो। अगर हम एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं तो ये बीमारी आपको ठीक कभी भी नहीं होने देती। तो आई होप आपको ये वीडियो मदद ज़रूर करेगी। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात कीजिए। बट अब अगर हम इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो अब हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।